आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2024। इस 2024 में बहुत कुछ बदलने वाला है, चाहे फ्रेंड्स ये सीक्रेट है, किसी के साथ भी शेयर मत करना। हेलो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है पूनम शंकर और आप देख रहे हैं पूनम शंकर ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2024। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो फ्रेंड्स प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कॉमेंट कर देना। ये है मेरा पहला ब्लॉग 2024 का। अच्छा ठीक है, समझ गया। और फ्रेंड्स, इस 2024 में बहुत कुछ बदलने वाला है। मैं नहीं मानता, जैसे कि मैं आपको आगे बताऊंगी, तो बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक। सबसे पहला 2024 में होने वाला है अयोध्या के राम मंदिर का उद्घाटन। आप सभी को जय श्री राम, और कमेंट में बताइए कौन कौन अयोध्या में राम मंदिर को देखने जा रहा है। और दूसरा क्या होने वाला है, इलेक्शन आने वाले हैं। और तीसरा हो सकता है मेरा बैंड बच जाए। शेयर मत करना, जैसे कि मेरे बैकग्राउंड में बैंड बज रहा है वैसे ही हो सकता है मेरा भी बैंड बज जाए। अरे कहना क्या चाहते हो, सिंगल से मिंगल हो जाऊं। तो फ्रेंड्स, जैसा भी रहेगा पर आप सबको ब्लॉग्स आते रहेंगे। अभी थोड़ा आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फ्रेंड्स, मैं 2023 का थोड़ा सा कुछ बताना चाहती हूँ। नहीं अपनी उछानी से रिलेटेड, तो फ्रेंड्स मेरे उछानी में 2023 में दो लाइब्रेरी खुली थी, एक देवांश लाइब्रेरी, एक फौजी लाइब्रेरी। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? और फ्रेंड्स क्या कहते हैं, अगर आप लोग को लाइब्रेरी देखनी है, नहीं देखी है उछानी की लाइब्रेरी, तो आप लोग कमेंट में ज्यादा से ज्यादा अगर कमेंट आएंगे तो मैं उस लाइब्रेरी को विजिट करूंगी और मैं उस मतलब ब्लॉग भी शूट करूंगी, आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी। तो आप लोग कमेंट में ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना लाइब्रेरी के बारे में, तो मैं जरूर जाके लाइब्रेरी का ब्लॉग शूट करूंगी आप लोगों के लिए। और फ्रेंड्स, ठंड भी थोड़ी सी हो गई है, 26 दिसंबर से ही बहुत सारी ठंड होने लगी है, क्रिसमस के बाद से ही। और बहुत सारा कोहरा भी हो रखा है, वो कोहरा भी मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत कोहरा हो रखा है फ्रेंड्स 26 दिसंबर से। फ्रेंड्स ये देखिए कितना कोहरा ही कोहरा हो रहा है, एकदम भयंकर, कुछ दिख भी नहीं रहा है, पूरी अंधेरा अंधेरा है सब में। भैया बच के रहिएगा ठंड में, बहुत बूढ़े लोग बुजुर्ग लोग मतलब गुजर जाते हैं इस ठंड में। क्या बोला तूने? लेकिन आप लोग बच के रहिएगा, पर असली मजा तो ठंड का ही है। सही बात है। किस किस को ठंडे पसंद हैं? भाई मुझे तो बहुत पसंद है, तो जिस जिसको पसंद है ठंड कमेंट में जरूर बताइएगा। भैया देखिए पूरी तरफ धुंध ही धुंध है, एकदम भयंकर। लेकिन अभी जनवरी में बहुत अच्छा मौसम हो गया है, मतलब अच्छा क्या, ठंड बहुत हो गई है लेकिन कोहरा नहीं है बस। और जब तक ठंड नहीं पड़ेगी तब तक गेहूं की फसल भी अच्छी नहीं होगी। ए बाबा, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुष निकला रे। अब मैं बहुत बकवास करने लगी हूँ, चलो आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, इस ब्लॉग को यहीं खत्म करती हूँ और लाऊंगी आपको एक नया ब्लॉग। किसका होगा वो तो आप लोग भी डिसाइड कर सकते हो। अगर लाइब्रेरी का चाहते हो तो लाइब्रेरी पे कमेंट करना बहुत सारे, तो मैं लाइब्रेरी का ब्लॉग लेके आऊंगी, वरना मैं अपने मर्जी से जो भी ब्लॉग चाहती हूँ वो ब्लॉग लेके आऊंगी आप लोग के साथ। इंटरेस्टिंग था तो बने रहिएगा मेरे साथ लास्ट तक, मतलब बने रहिएगा मेरे साथ। तो फ्रेंड टाटा बाय बाय एंड जय श्री राम। और लास्ट में भी आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2024। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।